हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे ह्यूमरस के शॉर्ट नोट। ह्यूमरस के एक अपर एंड होते हैं, एक लोअर एंड होते हैं, एक सॉफ्ट होता है। अपर एंड में जैसे हीट जो हेड है वो स्मूथ सराउंडेड फ्रॉम ग्लैनुलर ह्यूमरल जॉइंट होता है, एंड नेक होता है, एक ग्रेटर टूबरकल होता है, एक लेसर टूबरकल होता है, एक इंटर टूबरकल सल्कस होता है। और सॉफ्ट में बिटवीन अपर एंड लोअर एंड को सॉफ्ट बोलते हैं। अपर एंड सिलेंड्रिकल होता है, लोअर एंड लोअर हाफ जो है वो फ्लैटेंड एंड एंटेरो पोस्टीरियरली बोलते हैं। और लोअर एंड में कैपिटुलम होता है, कैपिटुलम लैटरल राउंड प्रोजेक्शन होता है। जो कैपिटुलम है लैटरल जो है वो बाजू की साइड होता है, उसको लैटरल बोलते हैं। और ट्रोक्लिया है ये मिडिल के साइड होता है, ये स्टर्नम बीच के साइड होता है, ये पैलीसेप्ट का होता है। और जो रेडियल फोसा होता है एबव कैपिटुलम, ये एक फ्रंट पे एक कैपिटुलम होता है जहाँ पे ये ऐसे किसी चीज़ को बोन को ऐसे बैठाया जाता है, रेडियल फोसा इसको बोलते हैं, ये गड्ढा होता है। एक कोरोनाइड फोसा होता है एबव ट्रोक्लिया, ये ट्रोक्लिया के साइड होता है। और मीडियल एपिकोंडाइल होता है, ये गोल सा उभरा होता है। और लैटरल एपिकोंडाइल होता है, ये लैटरल के साइड होता है। एक ओलेग्रेनान फोसा है जो डीप हॉलो होता है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, ये पीछे के साइड होता है जिसपे रेडियल और अल्ना का बोन ऐसे बैठता है, उसको ओलेग्रेनान फोसा बोलते हैं। एंड एक अपर एंड होता है, अपर एंड में हेड स्मूथ होता है, राउंड होता है, 1/3 1/3 स्फीयर होता है, कवर्ड बाय एंटिकुलर हायलिन कार्टिलेज का कवर्ड होता है। और नेक में एनाटॉमिकल नेक थ्री इसमें पार्ट होते हैं, एक एनाटॉमिकल होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल लाइन होता है, एक सर्जिकल लाइन होता है। एनाटॉमिकल प्रोवाइड अटैचमेंट टू कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट एक्सेप्ट, ये जो एनाटॉमिकल है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें सुपीरियरली एक मीडियली होता है। फॉर पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियल, मीडियली में कैप्सूल एक्सटेंड डाउन फॉर अबाउट 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं। और जो मॉर्फोलॉजिकल लाइन होता है बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस और ट्रू जंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेड बाई एपिफाइसियल लाइन, मॉर्फोलॉजिकल में ही एपिफाइसियस लाइन भी डिनोट करते हैं। और सर्जिकल में बिलो लेसर एंड ग्रेटर टूबरकल एपिफाइसियल लाइन होता है और रिलेटेड टू एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर होते हैं, सर्कुलम फ्लक्स ह्यूमरल वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ साइट ऑफ कॉमन ह्यूमरल फ्रैक्चर, कॉमन फ्रैक्चर सर्जिकल में ही होता है, सर्जिकल लाइन में होता है। एंड ग्रेटर टूबरकल, ये बड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, ये ग्रेटर टूबरकल होता है। एक लेसर टूबरकल, जो लेसर होता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है। ग्रेटर टूबरकल मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल इंड होता है। पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट, ये पीछे के साइड ऊपरी सरफेस पे होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर। फ्लैटेंड होता है, फ्रेसेट लाइक इंप्रेशन होता है, इसमें ग्रेटर टूबरकल के अपर में सुपरा स्पिनेटस मसल होता है, मिडिल में इंफ्रा स्पिनेटस मसल होता है और लोअर में टीरीज माइनर मसल होता है। ये सब इंसर्टेड होते हैं, ओरिजिन नहीं होते हैं। एक फिर लेसर टूबरकल, लेसर टूबरकल में स्मॉल एलिवेशन ऑफ फ्रंट ऑफ अपर एंड जस्ट अबव सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक के नीचे ही होता है। इसमें सब स्कैपुलरिस मसल्स होते हैं, ये भी इंसर्टेड ही होते हैं और ये तीनों भी इंसर्टेड ही होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट, इंटर टूबरकुलर सल्कस, ये इन दोनों के बीच का वर्टिकल ग्रूव, इन दोनों के बीच का पार्ट होता है, लंबा सा ये वर्टिकल ग्रूव होता है। फिर इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं, ये कंटेन वन लॉन्ग हेड, इसको सैनोवियल सीट बोलते हैं, ये वन लॉन्ग हेड कंटेन करता है। डू असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी होते हैं। और लैटरल लिप ऑफ ग्रूव, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स इंसर्ट होते हैं। और फ्लोर ऑफ ग्रूव पे, इस ग्रूव के फ्लोर पे लैटिसमस डोर्साई मसल्स होती है। मीडियल लिप ऑफ ग्रूव पे इरिस मेजर मसल्स होते हैं, इंसर्टेड ये भी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साफ्ट, लोअर पार्ट ट्रेंगुलर वन सरफेस भी होते हैं, थर्ड थ्री सरफेस, जिसमें एक सरफेस एंटेरो लैटरल, ये आगे का बगल का साइड, एंटेरो मतलब आगे का और लैटरल साइड का, वी शेप्ड होते हैं, लैटरल ट्यूबरोसिटी होती है,
इंसर्शन टू डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है। फिर एंटेरोमीडियल अपर पार्ट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। अबाउट इट्स मीडियल एंड क्लोज टू मीडियल, मीडियल बॉर्डर डायरेक्टली डाउनवर्ड होते हैं। पोस्टीरियर में अपर वन थर्ड होते हैं जो ऑब्लिक रिज होता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड लेटरली ओरिजिन टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रांची। बिलो एंड मीडियल टू ऑब्लिक रिज जो रेडियल और स्पाइरल ग्रूव होते हैं, रेडियल नर्व एंड प्रोटुंडा ब्रांकी वेसल्स ये भी होते हैं। बिलो स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव के नीचे। और नेक्स्ट में ओरिजिन टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रांकाई। और बॉर्डर में हम देखेंगे, बॉर्डर में एक एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल, लेटरल ये फ्रंट होगा, ये मीडियल बीच में होगा स्टर्नम के साथ जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ से आगे से मतलब फ्रंट में, और लेटरली साइड के साइड मतलब जो हमारे दोनों बाजू हैं वो लेटरली है। फ्रॉम लेटरल लीप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस टू एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड इंड इन रेडियल फोसा। मीडियल में मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होते हैं, मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम रफ स्ट्रिप, मीडियल इंटर इंसर्शन टू कोरैको ब्रांकियलिस मसल्स। एंड नेक्स्ट मीडियल को मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होते हैं और मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम भी होता है और रफ स्ट्रिप होते हैं, ये रफ होते हैं प्लेन स्मूथ नहीं होते। इंसर्टन टू कोरैको ब्रांकियलिस मसल्स होते हैं एंड नैरो पतले से एरिया एबव होता है जिसको मीडियल एपिकोंडाइल बोलते हैं। ओरिजिन टू ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टिविस मसल्स, लेटरल में अपर पार्ट इंडिक्स्ड नॉट क्लीन होते हैं। एंड लोअर इंड हम देखेंगे, लोअर इंड में कैपिटुलम पाए जाते हैं, ट्रोक्लिया आर्टिकुलर पाए जाते हैं, जो नोच होते हैं अल्ना, जहाँ ये एक आर्टिकुलर, ये ट्रोक्लिया जो है ये अल्ना के जॉइंट होने की नोच हैं। अल्ना नर्व होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है ये कॉमन फ्लेक्सन ओरिजिन, ये हमारे हाथ को फ्लेक्सन करने के ओरिजिन होते हैं। और एंटर लेटरल पार्ट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होते हैं, ये हमारे हाथ को एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करते हैं, ओरिजिन होते हैं। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ओरिजिन टू एनकोनियस मसल्स, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, कोरोनॉइड फोसा, एबव ट्रोक्लियर ड्यूरिंग फुल फ्लेक्सन। एंड अब हम इसके डायग्राम को देखेंगे, ये हमारे ह्यूमरस के फिगर हैं, ये फ्रंट है, ये बैक पे है और दोनों राइट ह्यूमरस हैं। ये देखिए, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है, ये हेड है, ये एनाटॉमिकल हेड है, ये एपिफाइसिस लाइन है, ये इंटर ट्यूबरकल सल्कस है, ये ग्रूव है, ये गड्ढा की तरह होता है। लेसर ट्यूबरकल के नीचे वाले को मीडियल लिप होते हैं क्योंकि ये मीडियली साइड होता है, अंदर के साइड होता है, और ये वाला ग्रेटर ये बाहर के साइड होता है, इसको लेटरल लिप बोलते हैं। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है और ये देखिए ये हेड होता है, ये बैक साइड का बोन है, ये एनाटॉमिकल नेक है, एपिफाइसियल लाइन है, ऑब्लिक होता है रिज, एक ऑब्लिक उभरा हुआ होता है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये फ्रंट रहता है। ये एंटेरो लेटरल सरफेस है, ये एंटेरो है और ये लेटरली है, दोनों को मिला के एंटेरो लेटरल सरफेस है। और लेटरल पे सुप्राकोंडाइलर रिज होता है, ये शार्प होता है, और ये रेडियल फोसा ये हमारे फ्रंट के साइड होता है, और ये ओलेक्रेनॉन फोसा है, ये बैक साइड मिलेगा जिसपे अल्ना का नोच बैठा रहता है, अल्ना ऐसे बैठा रहता है पीछे। ये कैपिटुलम है, ये ट्रोक्लिया है, ये ओलेक्रेनॉन फोसा है ही, ये एपिफाइसियल लाइन है। एंड नेक्स्ट इसका अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट है ये कैप्सुलर अटैचमेंट है, ये सब स्कैपुलरिस मसल है, ये सुप्रा स्पिनेटस है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये लैटिसमस डोर्साई है, ये टीरिस मेजर है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ये वी शेप में होता है, ये मीडियल हेड ऑफ
ट्राइसेप्स हैं, यूकोरैको ब्रैंकियलिस।